वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। थाना सिविल लाइन के कोर्ट परिसर में 2 महीने पहले वकील ने हेड कांस्टेबल की जमकर पिटाई की थी। दरअसल महिला का बयान कराने हेड कांस्टेबल कोर्ट आया था। उसी दौरान हेड कांस्टेबल के साथ वकील ने मारपीट की थी। पीड़ित कांस्टेबल अमित खटाना ने आरोपी वकील के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक वकील के खिलाफ पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांस्टेबल पिछले 2 महीने से इंसाफ के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी से परेशान कांस्टेबल आज एसएसपी के पास पहुंचा और आपबीती सुनाते हुए इंसाफ की मांग की। बता दें, कांस्टेबल अमित खटाना मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट में तैनात है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या वकीलों को एक कांस्टेबल के साथ मारपीट करना शोभा देता है? देखिए पीड़ित कांस्टेबल अमित खटाना से मिली जानकारी। और एक वकील थे आसिफ सनोफ शमसुद्दीन, निवासी शानदार कॉलोनी। उन्होंने अपने 8-10 वकील साथियों के साथ मिलकर मुझ पर अचानक हमला किया। रिवॉल्वर पिस्टल छीनने का प्रयास कर एक सोने की चैन छीनने का प्रयास किया, जिस पर मेरी तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन मैं 365/22 मुकदमा प्रासंख्या 307, 332, 353 के अंतर्गत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ। 13/9/22 मुकदमा पंजीकृत होने के बाद आज 24/11/22 तक विवेचक महोदय द्वारा कोई भी उसमें कानूनी कार्रवाई वकील के खिलाफ नहीं की गई। मैं विवेचक महोदय से मिला, विवेचक महोदय ने कहा कि वकीलों का मामला है, यूनियन है, जिले की शांति भंग हो सकती है। जब शांति भंग हो सकती है तो मुझे लगा कि शायद एक, क्योंकि पुलिस पर हमला एक व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं था, उत्तर प्रदेश पर पुलिस पर हमला था, इसी वजह से मैं मिला। लेकिन मुझे कोई आश्वासन किसी रूप से विवेचक महोदय द्वारा नहीं मिला। आज मैं कप्तान साहब अपने अधिकारी एसएसपी महोदय से रोहित सिंह साजवान के समक्ष प्रस्तुत हुआ, एप्लीकेशन दी, तो कल विवेचक महोदय को बुलवाया गया है। लेकिन अब तक 2 महीने से बीत जाने के बाद कोई कानूनी कार्रवाई किसी भी प्रकार की। कहाँ पर तैनात हैं आप? मैं थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ में तैनात हूँ। वकील आसिफ सनोफ शमसुद्दीन 16/6/22 को उनके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र आया था। वादी थे नफीस सनोप अल्लाह मेहर, शानदार कॉलोनी। उसमें उनके खिलाफ NCR 26/22 पंजीकृत हुई थी थाना लिसाड़ी गेट पर, जिसमें उपनिदेशक श्री हरेंद्र सिंह द्वारा उनके खिलाफ 151, उनके भाई के खिलाफ भी, इमरान के और आसिफ के, 151 की कार्रवाई की गई। अब क्या कहा कप्तान साहब ने आपसे? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है, पूरी पूरी उम्मीद है अधिकारियों से कि न्याय मिलेगा। उसने आपको पीटा था वकील ने अपने साथी के साथ? वो क्या, 13/9/22 कोर्ट में, कोर्ट ने पीटा, कोर्ट में पीटा था, हथियार छीनने का प्रयास किया था, उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ। तो उसी का बदला लेने कि मैं वकील हूँ, मुझे 151 में क्यों भेजा गया? तो क्या कह रहे हो, थाना पुलिस वकीलों के दबाव में पुलिस के ही पक्ष में कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कौन विवेचक हैं सिविल लाइन में आपके? सिविल लाइन चौक इंचार्ज, कचहरी चौक इंचार्ज हैं श्री विजय चौहान जी। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।